राजधानी रायपुर के गुड़ियारे स्थित मंगल भवन में 9 व 10 अगस्त को दो दिवसीय अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व उनके परिजनों के आने की संभावना जताई जा रही है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वंशज भी इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आज मोतीबाग स्थित प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुरली मनोहर खंडेलवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आगामी 9 और 10 अगस्त को अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनके परिजनों का राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे रायपुर के मारुति मंगल भवन गुड़ियारी में आयोजित है और इसमें 22 प्रांतों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारजन और 11 प्रांतों से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का समापन और सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि माननीय भूपेश बघेल जी हैं और माननीय मंत्रीगण श्री रविन्द्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, अमरजीत भगत जी, विकास उपाध्याय जी, ये सभी लोग उस कार्यक्रम के विशेष अतिथि आ रहे हैं। और सबके बीच में जब हम लोगों ने उनके पास संपर्क किया तो काफ़ी उत्साहित थे, बोले ये कार्यक्रम तो होना था, बोले इतना देर से क्यों हुआ। तो ऐसा है, इस कार्यक्रम के प्रति मतलब बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया हो रही है। इसका आकर्षण का केंद्र में जैसे बार बार यही कहा कि हम लोगों को विचार विमर्श और सबसे मिलना और संगठन के लोगों को जोड़ना। अभी आपकी जानकारी के लिए अगर हम लोग इसकी वो करेंगे ना जनगणना, तो देश में 1 करोड़ से ऊपर लोग हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिजन, लेकिन चूंकि आपस में मिलना जुलना नहीं है इसलिए हम लोगों की कोई जानकारी नहीं है। अब हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है, अभी ही हम लोगों ने अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन भी कराया, पहले ये रजिस्ट्रेशन वगैरह, लेकिन अब हम चूंकि इस आयोजन के बाद जैसा कि भाई साहब ने हमारे सामने प्रश्न उठाया कि उत्तराधिकारी संगठन के इसके पहले कोई इतना ऐसा क्यों कार्यक्रम नहीं हुआ, तो ये शिकायत करने का आपको दोबारा मौका हम लोग नहीं देंगे और लगातार हमारी सक्रियता से इस शहर के लोगों को बताएंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लोग भी रायपुर में रहते हैं। मैं मुरली मनोहर खंडेलवाल, ये संस्था का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और सुनील बाजारी जी महामंत्री हैं, श्रीमती बबीता नथानी जी कार्यकारी अध्यक्ष।